हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वॉरियर। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूँ कि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना न्यू सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो गाइज, अल्टरनेटिव में हम रखेंगे लेक्चर, इसके एक लेक्चर रख देंगे हम, जैसे हमने अभी फार्मास्यूटिकल स्टार्ट किया हुआ है अपना, उसको देंगे एक लेक्चर में, और एक लेक्चर में हम बात करेंगे हेप की। तो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट की। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को देखना ना भूलें, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस लेक्चर में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो गाइस, इसलिए इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल फार्मा वॉरियर हब, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट की। तो गाइस, जैसे आपको पता है, जो हमारा हार्ट होता है उसको क्या काम होता है, पंपिंग करना काम होता है, कि वो हमारी पूरी बॉडी को पंपिंग करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। तो फ्रेंड्स, फर्दर उसके बारे में हम बात करेंगे आज, और कुछ जानेंगे इसके बारे में, इंटरेस्टिंग जानेंगे। तो इसलिए इस लेक्चर को लास्ट तक देखें, इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए बात करते हैं, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की ओर। तो फ्रेंड्स, हम, ये आपका स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये उसका स्ट्रक्चर होता है हमारे हार्ट का। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये बिना रहा है, तो हम बचपन से देखते हैं कि, मतलब हम सुनते हैं कि जो हमारे दिल का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, दिल शेप में, जो हम अपने फेसबुक व्हाट्सएप इमोजी वगैरह में यूज़ करते हैं। तो गाइस, वो दिल नहीं होता, दिल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप इसको देख सकते हैं, इसको याद कर लीजिए, आज इसको ध्यान से देख लीजिए। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो गाइस, इसकी एनाटॉमी और इसकी फिजियोलॉजी जानेंगे हम। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपको इंटरेस्टिंग एक बात बता दूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो जो हमारे हार्ट का साइज होता है वो कितना होता है, जो हमारी फिस्ट होती है, जो हमारी मुट्ठी होती है, उसके बराबर साइज होता है हमारे हार्ट का। तो फ्रेंड्स, जितनी आपकी मुट्ठी है उतने आपका हार्ट का साइज है। तो गाइस, अब हम बात करेंगे उसकी एनाटॉमी की एंड फिजियोलॉजी। गाइस, एनाटॉमी का मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी का मतलब होता है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो वही बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर होता है हार्ट का, आज देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका वैसे तो कोई रोल नहीं होता, जैसे कि आप कहते हो कि प्यार में किसी के प्यार में धड़कता है, या फिर गाना में धड़क रहा है, किसी के लिए मचल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता इसका फंक्शन। ये सीधा साधा है बेचारा, इसको ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, इसका फंक्शन होता है सिर्फ हमारी बॉडी में काम करता है, पंपिंग करता है, सर्कुलेशन करता है, और आगे जाने का क्या क्या करता है। तो गाइस, यही इसका फंक्शन होता है, ना कि प्यार में इसका कोई फंक्शन नहीं होता। तो इसलिए इस बेचारे को ब्लेम ना करें, बहुत अच्छा है, सीधा साधा है, बहुत ध्यान रखता है हमारी बॉडी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं फिर टॉपिक की ओर, स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो गाइस, अब बात करते हैं ऊपर से इसकी। तो देखिए गाइस, ये जो मैंने लेबलिंग की है यहाँ पे, इसमें पूरे हमने लेबलिंग की है और अच्छे से एरो भी दिखाए हैं, उनको समझाएंगे आपको। तो गाइस, करते हैं शायद जो हमारे होते हैं सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर का मतलब टॉप में है, इसलिए इसको सुपीरियर वेना कहा गया है, और जो इन्फीरियर मतलब नीचे है, बॉटम में है, इसलिए इसको इन्फीरियर वेना कहा गया है। तो गाइस, जो हमारी सुपीरियर वेना कावा होती है, इन्फीरियर वेना कावा होती है, इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है, इनका फंक्शन ये होता है, जो हमारी सुपीरियर वेना कावा होती है उसको क्या करता है, जो हमारी अपर बॉडी होती है, यानी हार्ट से जो ऊपर होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो जो हमारी सुपीरियर वेना कावा होगी, जो ऊपर का ब्लड, हमारे नेक वगैरह में जो ब्लड होगा, उसको लेकर के आएगी कहाँ पे, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में लेकर के आएगी। और जो हमारी इन्फीरियर वेना कावा होगी, वो जो नीचे का ब्लड है, हमारा लोअर पोर्शन है, जो हमारा नीचे का पैर वगैरह का, उनका ब्लड कहाँ पे लेकर के जाएगी, यहाँ से लेके जाएगी राइट एट्रियम में लेकर के आएगी। तो गाइस, ये हमारा राइट एट्रियम में हमारा ब्लड इकट्ठा होगा सुपीरियर वेना कावा से, और इन्फीरियर वेना कावा से इकट्ठा होकर के हमारा कलेक्ट हो गया राइट एट्रियम में। तो गाइस, जो हमारा ब्लड अभी इकट्ठा हुआ है राइट एट्रियम में, कलेक्ट हुआ है, वो कैसा होगा ब्लड, वो ब्लड होगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड से मन से, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर हमारा क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट होता है, उसको कहेंगे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी जो हमारा ब्लड है उसके अंदर हमारी CO2 मिक्स है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, इसलिए इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा गया है। तो गाइस, हमारा नीचे से और ऊपर से इकट्ठा हो गया हमारे राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में इकट्ठा जैसे ही वो हो गया, अब उसको क्या होगा, अब नीचे आएगा वो, यहाँ पे हमारे किस में, राइट वेंट्रिकल में आएगा। तो गाइस, राइट वेंट्रिकल में जब आएगा तो यहाँ से पास होगा हमारा। तो गाइस, जो हमने ये दिखाई है आपको, ये जो दो नीचे को झुकी है, तो इनका क्या काम है, इनका फंक्शन जानेंगे, इनको कहते हैं ट्राइकस्पिड बोल, इनको कहते हैं ट्राइकस्पिड बोल। इनका क्या फंक्शन है गाइस,
इनका फंक्शन ये है कि जो हमारा ब्लड राइट एट्रियम से आया है राइट वेंट्रिकुलर में, तो गाइस वो ऊपर ही तो जा सकता है, बैक फ्लो भी हो सकता है जब ब्लड नीचे से प्रेशर लगेगा, तो जब उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऊपर भी जा सकता है, बैक फ्लो हो सकता है, तो इसलिए इनका काम है ट्राइकस्पिड वॉल का। तो ये ऐसे है, अब जैसे ब्लड नीचे आएगा अगर प्रेशर लगा तो ये ऐसे हो जाएगी, मतलब ऐसे हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो बैक फ्लो नहीं होगा राइट एट्रियम में। तो इनका काम होता है भाई ट्राइकस्पिड का ये फंक्शन होता है। तो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पे जब राइट एट्रियम में पहुंच गया हमारा ब्लड, कैसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकुलर में इकट्ठा हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको भेजना है, हमें कहाँ पे भेजना है, इसको हम लंग्स से भेजना है ताकि वो प्यूरीफाई हो सके, वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट हो सके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो गाइस अब यहाँ हमारा राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, अब कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जो हमारा दिखाया हमने आपको ब्लू एरो दिखाया है, तो यहाँ से अब यहाँ पे जाएगा ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा हमारे लंग्स में चला जाएगा। अब लंग्स में पहुंच करके क्या होगा, तो गाइस लंग्स में पहुंचने से पहले जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है उसमें भी कुछ वॉल्व होती है, यहाँ पे जैसे मैं दिखा रही है पल्मोनरी वॉल्व दिखाई है, पीवी लिखा है पल्मोनरी वॉल्व, तो गाइस ये जो वॉल्व आपको दिख रही होगी इनका क्या फंक्शन होता है, इनका फंक्शन भी यही होता है कि ब्लड क्या हो, बैक फ्लो ना हो। अब भाई जब यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगा राइट वेंट्रिकल का तो ब्लड ऊपर जाएगा, तो जब ऊंचाई पे चढ़ रहा है भाई वापस भी तो आ सकता है, बैक फ्लो हो सकता है, तो इसलिए क्या कहा है इनका फंक्शन क्या हुआ कि ये ब्लड को बैक फ्लो ना करने दे। तो गाइस अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो पहुंच गया हमारा कहाँ पे पहुंच गया, हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंच गया लंग्स में। अब लंग्स में क्या होना है, वहाँ पे क्या होना है, वहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन होगा, जैसे हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में मिलेगी जाकर के, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसके अंदर जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो क्या होगी, उसको हम एक्सहेल आउट कर देंगे, बाहर कर देंगे, और जो हमारी ऑक्सीजन है उसको इनहेल करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारी ऑक्सीजन है वो मिक्स हो जाएगी हमारे ब्लड में, और हमारा ब्लड कैसे हो जाएगा, प्यूरीफाई हो जाएगा, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो पल्मोनरी वेंस के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेंस के थ्रू, जैसे जो आपने यहाँ पे शो किया हमने रेड मार्कर से शो किया गया है, पल्मोनरी वेंस के थ्रू कहाँ पे आएगा, हमारा लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। तो गाइस हमारा ब्लड कहाँ गया, अब लाइट हमारा लेफ्ट एट्रियम में आ गया। अब लेफ्ट एट्रियम में जो हमारा ब्लड है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो गाइस अब हमारा राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पहुंचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, यहाँ पे भी सेम है जो वॉल दिखाई गई हमने, जिनका नाम है माइट्रल वॉल, माइट्रल वॉल यानी उसको आप बाइकस्पिड वॉल भी कह सकते हैं या माइट्रल वॉल भी कह सकते हैं। तो गाइस इनका भी फंक्शन सेम होता है एज दैट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल, यानी बैक फ्लो को रेजिस्ट करती है। तो गाइस अब हमारा ब्लड कहाँ पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे हमारी ये रेड कलर से शो की हमने अरोटा, तो गाइस अरोटा से अब हमारा ब्लड क्या होगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो गाइस यहाँ पे भी कुछ वॉल्व होती है एरोटिक, जो हमारी वॉल्व होती है अरोटा, उसमें भी दो वॉल्व है जिनका नाम है एरोटिक वॉल्व। तो एरोटिक वॉल्व का फंक्शन भी ऐसे सेम ही होगा जैसे यहाँ पे हमारा पल्मोनरी वॉल्व का फंक्शन था, ऐसे ही सेम फंक्शन होगा एरोटिक वॉल्व का, वो भी बैक फ्लो को रेजिस्ट करेगी। तो गाइस अब हम एरोटिक वॉल्व, जैसे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारा ब्लड अरोटा के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, जहाँ जहाँ तक पहुँचना है, पर्टिकुलर टिश्यू तक, एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक जहाँ पे उसका टारगेटेड है वहाँ तक वो पहुँच जाएगा, और हमारी बॉडी को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो गाइस ये थी बात हमारी स्ट्रक्चर की, उसकी एनाटॉमी की, हार्ट की एनाटॉमी की बात। तो गाइस अभी मैंने दिखाया आपको जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, जो ब्लैक है, ब्लैक कलर से उसकी आउटलाइन की है, तो ये होती है हमारी पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक लेयर होती है गाइस, जो हमारे क्या होती है, जो हमारे हार्ट के चारों ओर होती है लेयर, पेरिकार्डियम लेयर, जो हमारा काम करती है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत हेल्प करती है, तो पेरिकार्डियम हो गई। तो गाइस ये होगी हमारी एनाटॉमी ऑफ हार्ट की। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसकी फिजियोलॉजी की बात में, फिजियोलॉजी में इसका क्या फंक्शन होता है हार्ट का वो जानते हैं। तो गाइस फिजियोलॉजी जानने से पहले आपको बता दूँ, जैसे आप कहते हैं कि प्यार में धड़क रहा है किसी के लिए, या मतलब झूम रहा है, गानों में धड़क रहा है, तो गाइस ये इसका कोई फंक्शन नहीं है, इसका फंक्शन है सिर्फ हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन, हमारे हम न्यूट्रिशन लेते हैं, बाहर से लेते हैं, इनटेक करते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, हर एक ऑर्गन को न्यूट्रिशन चाहिए काम करने के लिए, तो उस न्यूट्रिशन को क्या करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, हर एक ऑर्गन तक पहुंचाता है, क्या करता है, दूसरा फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन तो ये हो गया कि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराता है, जिसमें हमारी ऑक्सीजन होती है, तो हमारी ऑक्सीजन हर एक ऑर्गन तक पहुंचेगी, पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचेगी, जिसकी वजह से वो क्या होगा, अपना काम कर पाएगा। सेकेंड क्या फंक्शन होता है इसका, कि वो क्या कर पाएगा, अब हमारा जो न्यूट्रिशन लिया है हमने, तो न्यूट्रिशन को सर्कुलेट कर पाएगा, ब्लड के थ्रू ही सर्कुलेट होगा पूरे बॉडी में, पूरे हर ऑर्गन में, हर टिश्यू में क्या होगा, सर्कुलेट होगा हमारा न्यूट्रिशन। और गाइस ये हमारे फंक्शन होते हैं किसके, हार्ट के फंक्शन होते हैं हमारे। तो फ्रेंड्स ये फंक्शन हो गए हमारे
कितने फंक्शन हो गए? तो गैस तीन फंक्शन हो गए, एक तो ब्लड का सर्कुलेशन कर रहा है पूरी बॉडी में, दूसरा ऑक्सीजन को सर्कुलेट कर रहा है, और तीसरा न्यूट्रिशन को सर्कुलेशन कर रहा है। तो गैस ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ हार्ट। तो गैस यही फंक्शन होते हैं हार्ट के। अब इसको आप जान चुके हैं क्या फंक्शन होते हैं हार्ट के, अब ये नहीं धड़केगा मेरे हिसाब से आपको पता लग गया है, अब ऐसी गलती नहीं करोगे। तो गैस इसलिए ये बेचारा सीधा साधा है, इसका यही काम है, तो इसलिए इसको ब्लेम ना करें, बेचारा बहुत अच्छा है, हमारे हमें बहुत हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स ये हमने जानी है बात हमने हार्ट की, मतलब तो गाइस हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, इसको फोर चैम्बर हार्ट कहते हैं, जो हमारा जो मैमल होता है, जैसे हमारा मैमल कह सकते हैं, एक हमारा मैमल है जो इसके अंदर फोर चैम्बर हार्ट होता है क्रोकोडाइल, और एक हम ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनके अंदर हमारा फोर चैम्बर हार्ट होता है। तो इसके अंदर फोर चैम्बर हार्ट है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर, तो फोर चैम्बर हो गए गाइस। तो ये बात थी हमारे हार्ट की फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी की। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ यह लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा, अच्छा होगा, आपके लिए नॉलेज से भरपूर होगा। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो गाइस इसीलिए एक लाइक तो बनता है। इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फार्मा वॉरियर हब, प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड गाइस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, एंड इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी एनी प्रॉब्लम तो यू कैन कमेंट, एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। जब तक कि आप मस्त रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, थैंक यू गाइज़।